कोरोना ने कराची को वुहान बना दिया है, लेकिन इमरान ने कोरोना के कत्लेआम की हर लाश को छिपा दिया। ऐसा सिर्फ दुनिया के साथ पाकिस्तानियों को गुमराह करने के लिए किया गया। इमरान की वायरस मिस्ट्री का तिलिस्म नहीं टूटता अगर कराची में कोरोना एक दिन में सैकड़ों लाशों को बिछा नहीं देता। दावा तो यह भी है कि अकेले कराची में ही 50,000 कोरोना बम घूम रहे हैं। पाकिस्तान में तो गिनती का पता ही नहीं है। आज इमरान के इसी कोरोना चेन का एक्सरे हम करेंगे, आप देखिए। इमरान की कोरोना हिस्ट्री, कराची में कब्रों की कैसी मिस्ट्री। अनएक्सप्लेन डेथ से उनका भी जरा अंदाजा लगाया जाए ताकि हम किसी गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे। अरे दिल दहला रही है। दो हफ्तों में कराची के अस्पतालों में लाई गई सैकड़ों लाशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। नए सवाल उठा दिए हैं, मरने वाले कौन थे, कैसे मरे, कोरोना का शिकार हुए। कराची बन गया वुहान, लाशें क्यों छिपाए इमरान। मुरादरी शाह का कहना है कि अस्पतालों में मुर्दा हालत में भी लोग लाए जा रहे हैं। मरने वालों के फेफड़ों की जांच से अंदाजा लगाया कि कोरोना हो सकता है। क्या कराची में वायरस बम 50,000 लाशें बिछा चुका है। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद अफरा तफरी की फजा कायम है, हर किसी को अपनी जिंदगी की फिक्र है। 24 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है कि 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में 50,000 लोग कोरोना पेशेंट होंगे। इमरान की कोरोना एक्सरे रिपोर्ट, पाकिस्तान का कब्रिस्तान बनना तय है। कुछ तफ्तीश के अस्पतालों ने किए, एक्सरे वगैरह लिया है, और वो जो लंग्स की एक्सरे में पता ये चला है कि ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली, फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनकी लंग्स इस तरीके से होते हैं। सरहद पार उठा ये शो, ये बेचैनी, ये खलबली क्यों है। खान साहब ने क्या कोरोना पर कुछ छिपाया है, पाकिस्तानियों से झूठ बोला है, दुनिया को गुमराह किया है। कहीं ऐसा तो नहीं वायरस बम आधे पाकिस्तान को साफ कर चुका है, हजारों पाकिस्तानियों की कब्रें खोद चुका है जिस पर इमरान मिट्टी डाल रहे हैं। आज इमरान के इसी कोरोना छल का हम एक्सरे करेंगे। पाकिस्तान में पिछले 49 दिनों में कोरोना ने कितनी लाशें बिछाई, इमरान ने कितने केसों पर मिट्टी डाली, आज इमरान के कोरोना प्लान का हर पन्ना खुलेगा। कराची में सब कुछ ठीक था, कोरोना के डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन अस्पतालों में खलबली मची हुई थी। लाशों का ढेर इतना ज्यादा था कि इसे गिनना बेहद मुश्किल था, लेकिन खान साहब ने कोरोना के इस कत्लेआम की हवा तक किसी को नहीं रखने। पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मुल्क है, कोरोना जैसे महामारी पर इमरान कैसा झूठ बोल रहे हैं। कराची में वो सेंटर कहां है जहां 50,000 लाशें कोरोना बिछा चुका है, जिस पर इमरान बाजवा ने अपने फरेब की मिट्टी डाली है। अगर ये लोग कोरोना का शिकार हुए तो फिर इनके लवाहिकीन, इनसे वाबस्ता अफराद को कोरोना से बचाने के लिए कुछ किया गया या नहीं, सवालात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। खान साहब के झूठ की सजा पाकिस्तानी कैसे भुगत रहे हैं, और कैसे पाकिस्तान के ज्यादातर शहर 25 अप्रैल तक धुंधला हो जाएंगे, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इमरान कोरोना पर दुनिया से कैसा झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 7,000 कोरोना केस हैं, कोरोना से अब तक महज 140 मौत हुई। ये उस पाकिस्तान की कहानी है जहां पर मेडिकल सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं, जहां मास्क तक कर्जे के पैसों पर खरीदे जा रहे हैं।